रही है भारत के डिफेंस के सेक्टर से। दोस्तों भारत के डीआरडीओ अपने टेस्टिंग को लेकर लगातार नो टाइम वार्निंग देता जा रहा है और इसी के चलते 16 से 17 अक्टूबर के लिए भी वार्निंग रखी जा चुकी है, क्योंकि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम और इसी के साथ ही राफेल की मीटियोर मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं 16 और 17 अक्टूबर को। और दोस्तों क्या है खासियत भारत के एक्सआर सैम डिफेंस सिस्टम की और इसी के साथ ये कैसे S-400 के बराबर का एक डिफेंस सिस्टम है और ये पूरा मेड इन इंडिया भारत बनाने लग रहा है। इसी के साथ ही राफेल मीटियोर मिसाइल का टेस्ट हम करने जा रहे हैं, उसकी क्या खासियत है और इसी के साथ ये टेस्ट इतनी जल्दी और इतने सुजारू तरीके से भारत का डीआरडीओ क्यों करने जा रहा है, करेंगे इसके बारे में डिटेल से। भारत का डीआरडीओ जिस तरह की टेस्टिंग कर रहा है और जिस स्तर पर भारत की सरकार एक एडवांस लेवल पर आज वेपनरी खरीद रही है, वो यही इशारा कर रही है कि भारत और चीन का युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है। आखिरकार हम ये बातें क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि चाइना के आसरे पर पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमारा, उस पीओके पर पाकिस्तान इलेक्शन करवाने जा रहा है। हालांकि चाइना के दम पर ही आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो सोच रहा है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो आज भारत इस स्थिति में नहीं है कि भारत पीओके पर अटैक करेगा, और इसी के चलते वो पीओके पर इलेक्शन कराने जा रहा है ताकि पीओके को एक बार फिर से अपना प्रोविंस बना लिया जाए। लेकिन यहां पर उसे ये नहीं पता है कि भारत एक ऐसा शेर है जो किसी भी वक्त पीओके और इसी के साथ चाइना के अक्साई चीन और तिब्बत को आजाद कराने का दम रखता है, क्योंकि आज जो टेस्टिंग भारत कर रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। हालांकि दोस्तों यहां पर पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ रणनीति इसलिए तेज करते जा रही हैं क्योंकि भारत का जो सपोर्ट है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों में बहुत बढ़ गया है, और अमेरिका भी अपने वेपनरी का जो एक तैनाती है साउथ चाइना सी में करता जा रहा है, और इसी के चलते पाकिस्तान जो सोच रहा है कि पीओके में भारत किसी भी सूरत में अटैक नहीं कर सकता, तो ये उसका भरम भुलेखा है, क्योंकि आज भारत पूरी तरह से सक्षम है पीओके को अपनी टेरिटरी में मिलाने के लिए। और पीओके के साथ साथ चाइना के टू फ्रंट वॉर का खतरा देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने कल ही बता दिया था कि हम भी बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आखिरकार एक्सआर सैम जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसके बारे में। दोस्तों ये सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है और इसी के चलते नो टाइम की वार्निंग दी गई है अब 16 अक्टूबर को, क्योंकि ये इसका टेस्ट भारत का डीआरडीओ करवाने जा रहा है। और इसी के साथ इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इसकी खासियत है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को तो निशाना बनाता ही है, साथ में ही जो एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि चाइना का G20 हो गया, इसी के साथ चाइना का कितने भी फाइटर जेट हैं उसको ये निशाना बना सकता है। हालांकि आप कहेंगे कि G20 तो स्टिल्थ फाइटर जेट है, आखिरकार हम उसे कैसे निशाना बना सकते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2018 में भारत की एयरफोर्स ने कहा था कि हमारे सुखोई Su-30 ने जो चाइना का G20 है, चाइना के G20 को पकड़ लिया था हमारे जो एक सुखोई Su-30 है उसकी रडारों ने, और इसी के चलते जो डाटा प्राप्त हुआ था उसी डाटा का इस्तेमाल करके जो एक्सआर सैम की जो मिसाइलें हैं वो एक रडार के चलते उसी डाटा का इस्तेमाल करके उसी J20 को भेज सकने में आज सक्षम है, और इसी के चलते एक्सआर सैम का जो एक टेस्टिंग है वो 16 अक्टूबर को होने जा रही है। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि 350 किलोमीटर तक अवाक्स और रिफ्यूलर तक को ये निशाना बना सकता है, यानी कि जो एक ठंडे एक एयरक्राफ्ट है जैसे कि अवाक्स हो गया, रिफ्यूलिंग हो गया, और इसी के साथ ही जो एयरक्राफ्ट हैं सुखोई Su-30 हो गया या फिर ऐसे ही कोई चाइना के फाइटर जेट जितने भी हैं J-10 J-20 इसी के साथ JF-17 जितने भी फाइटर जेट हैं चाइना के, उनको 250 किलोमीटर तक हमारा एक्सआर सैम की मिसाइलें निशाना बना सकती हैं। और इसी के चलते दोस्तों ये एक S-400 की बिल्कुल बेहतरीन एक आप कह लीजिए कि एक मेड इन इंडिया का वर्जन है, क्योंकि S-400 को आने में अभी कुछ ही समय बाकी है, 2021 से 2022 तक भारत का S-400 पहुंचने लगेगा, और उसके बाद ये एक्सआर सैम आखिरकार कब भारत के अंदर शामिल होगा, क्योंकि दोस्तों भारत को आज एक्सआर सैम की ज़्यादा ज़रूरत है S-400 के मुकाबले। S-400 तो हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अभी डिफेंसिव वेपन नहीं है इतना खतरनाक जिस पर हम पूरा भरोसा कर सके, लेकिन भारत का BMD तैयार हो रहा है, एक्सआर सैम तैयार हो रहा है, और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत के पास है। ये सभी बातें दिखाती हैं कि भारत अपना डिफेंसिव हथियारों का जो टेस्ट है वो बहुत तेजी से कर रहा है, क्योंकि चाइना के
साथ हमें जंग में उतरना पड़ सकता है। और इसी की कड़ी में ये XR SAM का जो टेस्ट है 16 अक्टूबर को होने जा रहा है, इसके बारे में जैसे ही और डिटेल आएगी हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं राफेल की मेट्योर मिसाइल के चलते। दोस्तों राफेल भारत के सेना में आ गए हैं। कल ही पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ ने कहा था कि हमें ये डर है कि भारत का राफेल आने वाले 15 से 20 महीनों में कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर सकता है जिसके चलते पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। और दोस्तों उनका अंदाजा बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अब राफेल की टेस्टिंग भारत कर रहा है और 17 अक्टूबर को भारत अपने राफेल के मीटियोर मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है। आखिरकार ये मीटियोर मिसाइल किस काम में आती है और आखिरकार इसका क्या काम है, कर लेते हैं इसके बारे में भी चर्चा। दोस्तों मीटियोर मिसाइल की बात करें तो इसे MBDA ने बनाया है और इसी के साथ इसकी जो रेंज है 100 किलोमीटर की है। आखिरकार ये किस काम आती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एयर टू एयर टारगेट को नष्ट करने के लिए काम आती है और इसी के साथ ये मीटियोर मिसाइल एयरक्राफ्ट किलर भी मानी जाती है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मीटियोर मिसाइल है इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड 4 मैक की है। यानी कि दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि 4 मैक से आने वाली जो एक मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है, वो दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देगी। और दोस्तों ये मीटियोर मिसाइल की ये खासियत है कि ये रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। जो आंखों से टारगेट नहीं दिख सकता है, रडार से टारगेट दिखता है, उस रडार के टारगेट को एक चलते ये डाटा प्राप्त करती है और उसी से ही ये निशाना एयर टू एयर बना लेती है। और ये मीटियोर मिसाइल से बच पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो 4 मैक की स्पीड से दुश्मन के एयरक्राफ्ट और इसी के साथ किसी भी टारगेट को एयर में ध्वस्त कर सकता है। और इसी के चलते जो एक टेस्टिंग है 17 अक्टूबर को होने जा रही है। दोस्तों ये सभी टेस्ट दिखाते हैं कि भारत की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। आप ये इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आए दिन कोई नया कारनामा हो रहा है तो ये युद्ध की तैयारी है, या तो चीन और या फिर पाकिस्तान या फिर दोनों ही आपको भारत के साथ युद्ध लड़ते हुए दिखाई देंगे और भारत ये जंग आपको जीतता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत की सरकार की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा।